स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो काइंड्स डिस्कस करी हैं उसमें आपके पास जो लिमिट्स आ रही थी वो क्या होती हैं, इन्फानेट आती हैं, या तो अपर लिमिट इन्फानेट आती है या लोअर लिमिट इन्फानेट आती है, या दोनों लिमिट्स क्या हो जाती हैं, इन्फानेट हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स में हमने चेक भी करा था, जीरो पॉइंट्स के ऊपर हम चेक करते थे कि आपका जो फंक्शन है वहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। मतलब हम फाइनाइट्स के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स होगा, ठीक है, और जो इंटेग्रल में आपके पास जो लिमिट्स आएंगी ए टू बी वो क्या आएंगी, फाइनाइट आएंगी, डन। और ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल तभी बनेगा जब आपके फंक्शन एफ किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, क्लियर। अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा सेकंड काइंड का। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड इफ एफ हैज़ ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड एंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। देन नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट एंड पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ए पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इन दिस केस वी डिफाइन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस भी लिखोगे तो सफिशेंट है, ठीक है। मतलब आपका क्या है, एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है जीरो प्लस जीरो मतलब एप्सिलॉन आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट फाइनाइटली अदरवाइज इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, ठीक है। जो आपका इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा अगर आपके पास जो ये राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल आ रहा है वो एग्जिस्ट कर जाए, मतलब उसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो ये जो इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड देखिए, कन्वर्जेंस एट द राइट एंड पॉइंट। अब राइट एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, डिफाइन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मतलब बी की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट फाइनाइटली अदरवाइज इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ये जो फंक्शन आपके पास इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा, जो आपके पास ये इंटीग्रल है वो उसकी लिमिट क्या आ जाए, एग्जिस्ट कर जाए, फाइनेटली आ जाए, ठीक है। तो ये आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर जाएगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज कर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमने ऊपर डिस्कस करा है, यहाँ पे ए प्लस एप्सिलॉन हो रहा है, और जो हम यहाँ पे डिस्कस करें बी माइनस एप्सिलॉन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये देखिए, आपके पास जो इंटीग्रल है वो क्या है, इंटीग्रेशन में ए टू बी आ रही है, जो ए टू बी आ रहा है, क्लियर। अब जो हम ए की बात कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, ए के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं कर रहे, क्लियर। हम यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, ये ए आपका एंड पॉइंट है, और आपका ए से बी पे जा रहा है, इंटरवल आपका ए टू बी है, तो हम एंड पॉइंट्स के ऊपर जैसे कंटिन्यूटी में चेक करते होते थे एंड पॉइंट्स के ऊपर, अगर ये वाला आपका पॉइंट है तो हम यहाँ पे सिर्फ एट पॉइंट ए और उसकी राइट हैंड कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। और ये वाले अगर बी पॉइंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एट पॉइंट बी और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो अब यहाँ पे इंटेग्रल आ रहा है और आपके पास ए टू बी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए में से अगर मैं एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा, इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो लिमिट्स हैं लेंगे वो इसी इंटरवल में आपके पास लाई करनी चाहिए। लाई कब करेगी, जब आप ए में एप्सिलॉन ऐड करोगे तो वो आपका पॉइंट जो होगा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। सिमिलरली जो आपका बी माइनस एप्सिलॉन है
तो वो भी आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी में लाई कर जाएगा। अगर बी में आप एप्सिलॉन ऐड कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी इंटरवल के बीच में रहना है, तो इसलिए हम बी माइनस एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड्स, अगर हम दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसको क्या आ जाए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो कैसे निकालेंगे, इफ़ ए एंड बी आर ओनली पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइटली डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ए और बी आपके क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो सेम हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ब्रेक कर देंगे, सी आपका ए और बी इंटरवल में से पॉइंट आ रहा होगा, डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अब जो आपके पास ये राइट हैंड साइड में दो इंटेग्रल आ रहे हैं, इसको हम सेपरेटली चेक करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस इंटेग्रल को चेक करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे, हम ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ए माइनस एप्सिलॉन लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस आएगा, क्लियर। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो, इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन टू सी एफ एक्स डी एक्स, एंड प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट एंड इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन सी टू बी माइनस एप्सिलॉन डैश। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन डैश भी ले सकते हो, यहाँ पे एप्सिलॉन क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, नेक्स्ट में हम एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू जीरो इंटीग्रेशन सी टू बी माइनस एप्सिलॉन डैश एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, डन। तो अगर ये आपके दोनों आपके पास जो इंटेग्रल है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इंटेग्रल क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वी से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन टू बी माइनस एप्सिलॉन डैश एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन डैश। ठीक है, अलग अलग सोल्व करने की बजाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे दो एप्सिलॉन्स आ जाएंगे, एक एप्सिलॉन आएगा एक एप्सिलॉन डैश आएगा, दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे, ए में हम एप्सिलॉन को ऐड करेंगे, बी में हम एप्सिलॉन डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे जो हमने तीन केसेस करे हैं उसमें आपके पास एंड पॉइंट्स के ऊपर आपके फंक्शन को क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। ठीक है, एंड पॉइंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, या तो ए पे आ रही है या बी पे आ रही है। ए पे आ रही है तो हम एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं, बी पे आ रही है तो बी में से हम एप्सिलॉन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है उसको किसी सी पॉइंट के ऊपर, सी आपका लाई कर रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, बट सी आपका ए एंड पॉइंट्स नहीं है, सी आपका एंड पॉइंट नहीं, मतलब ए के इक्वल भी नहीं है और बी के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है, मतलब इफ एन इंटीरियर पॉइंट सी, सी लाइज बिटवीन ए टू बी, मतलब सी आपका क्या है, ए से ग्रेटर है बी से लेस है, इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ठीक है, अब ये आपका कन्वर्ज कब करेगा, जब ये इंटेग्रल आपके कन्वर्ज करेंगे, मतलब आई वन आपका कन्वर्ज करे और आई टू भी आपका कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ बोथ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स आई वन एंड आई टू ऑन द राइट कन्वर्ज एज इन एडवांस विद द डेफिनेशन गिवन अबव। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पे भी एक थोड़ा सा है, इसमें क्या चेक करना आपने, अब ये जो आपके पास लिमिट्स हैं ए टू सी आ रही है, ठीक है, ए टू सी आ रही है, और दूसरे इंटेग्रल में आपके पास जो लिमिट्स हैं सी टू बी आ रही हैं। अब ये सी इस इंटेग्रल में ये वाला एंड पॉइंट है, दूसरे वाला एंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाले इंटेग्रल में सी आपका फर्स्ट वाला एंड पॉइंट है। ठीक है, तो जब आप इसमें चेक करोगे तो आप क्या करोगे, सी में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करोगे, डन। अब जब ये वाला इंटेग्रल चेक करोगे तो सी में एप्सिलॉन ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एप्सिलॉन लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए लिमिट
एप्साइलन अप्रोचेस टू जीरो प्लस इंटीग्रेशन ए टू सी माइनस एप्साइलन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये चेक करेंगे। और दूसरे में क्या करेंगे, आई टू में लिमिट एप्साइलन डैश अप्रोचेस टू जीरो इंटीग्रेशन सी टू प्लस एप्साइलन डैश, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर बी तक जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रल अगर आपके कन्वर्ज कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब ये क्या करा, इसको जनरलाइज करा हुआ है। जनरलाइज कैसे करा है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि आपको जो फंक्शन है वो किसी सी पॉइंट के ऊपर उसको इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रहा है और सी आपका एंड पॉइंट नहीं है, मतलब वो ए बी में से आ रहा है, ठीक है, उसके बिटवीन कोई पॉइंट है। अब ऐसे ही वहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा था, अगर आपके पास यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएँ, जैसे कि सी वन सी टू सी थ्री सोन सी ई, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएँ जहाँ पे फंक्शन क्या हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही हो, क्लियर। तो यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे, आपका जो सी वन है सेम तरीके से चले कि आपका सी वन क्या आएगा, लेस देन सी टू आएगा, सी टू आपका लेस देन सी थ्री आएगा, उसी तरीके से हम अरेंज कर लेंगे उन पॉइंट्स को, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको फंक्शन को क्या आ रही है, इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, हम सीरियल ऑर्डर में उसको लगा देंगे, ठीक है, सबसे पहले लोअर, फिर हम उससे अपर पॉइंट, फिर उससे अपर पॉइंट, इस तरीके से हम चलेंगे, ए लेस देन इक्वल टू सी वन, सी वन लेस देन सी टू, सी टू लेस देन सी थ्री, सो ऑन, सी ई लेस देन इक्वल टू बी। अब सी वन आपका एंड पॉइंट भी हो सकता है, सी ई आपका यहाँ पे भी एंड पॉइंट हो सकता है, इक्वलिटी आ रही है ना, सी वन ए की इक्वल भी हो सकता है, मतलब किसी फंक्शन को ए पॉइंट के ऊपर भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर भी दिक्कत हो सकती है और उसके इंटीरियर पॉइंट्स पे भी हो सकती है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी वन सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स ऑन प्लस इंटीग्रेशन सी ई बी एफ एक्स डी एक्स एंड द गिवन इंटेग्रल इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ ऑल द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑन द राइट कन्वर्जेस एज द अकॉर्डिंग्स विद द डेफिनेशन गिवन अबव। जैसे हमने आगे पहले डेफिनेशंस करी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके राइट हैंड साइड में जो इंटेग्रल्स आ रहे हैं वो कन्वर्ज कर जाएं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटेग्रल पड़ा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अब नेक्स्ट नोट देखिए क्या है, नोट वन, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट ए एंड लैम्डा इज कॉन्स्टेंट देन इंटीग्रेशन ए टू बी लैम्डा एफ एक्स डी एक्स वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एट ए, ठीक है। अगर ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है एट ए के ऊपर तो आप कोई भी आपका लैम्डा कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास ये इंटेग्रल आ जाए जिसमें फंक्शन क्या हो जाए जी एक्स ले सकते हो, जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इन टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी लैम्डा एफ एक्स वो क्या कर जाए, वो भी क्या करेगा, ए पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा अगर ये आपका इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट नोट देखिए क्या, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट ए देन इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एट ए, ठीक है। अब अगर आपका जो फंक्शन ये इंटेग्रल ए पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो आप अपर लिमिट आपकी कुछ मर्जी हो तो भी आपका क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा ए पॉइंट के ऊपर, सी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, सी पॉइंट पे उसको दिक्कत हो सकती है वो उसको हम अलग से चेक करेंगे। अगर ए पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो किसी फर्स्ट इंटेग्रल में ए टू बी में अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ए टू सी में भी ए पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगा, सी का हमने कुछ नहीं बताया, सी आपका कोई और पॉइंट हो सकता है जिस पे उसको फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही हो तो हमें उसको अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नोट देखिए, ए प्रॉपर इंटेग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है, जो प्रॉपर इंटेग्रल होता है, अभी तक हमने जो केसेस करे वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ रहे थे ना, अगर आपके पास कोई प्रॉपर इंटेग्रल है मतलब कोई फंक्शन है उसको किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है और आपकी लिमिट्स क्या आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंटेग्रल बोलते हैं और वो हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। डन, नेक्स्ट हम आर्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें हम टेस्ट देखेंगे, क्लियर।